मनजिंदर सिंह सिरसा अज भी करवा रहे ने सिखां दे मसले हल। अलवर गैंगरेप पीड़िता दे मामले च मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रशासन नूं दित्ती चेतावनी। भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने अलवर गैंग रेप पीड़िता नाल जयपुर के एक प्राइवेट हस्पताल विच जाके मुलाकात की। नाल ही उसके परिवार को भरोसा दवाया कि वह इस दूजी निर्भया अते उसके परिवार को इंसाफ मिलन तक मामले की जोरदार पैरवी करेंगे। सिरसा ने कहा कि वेख के हैरानी हो रही है कि घट गिनती भाईचारे की नाबालग लड़की नाल समूहिक जबर जनाह की घटना बारे गहलोत सरकार ने चुप्पी धार रखी है। उन्होंने कहा कि इस भयानक गुनाह वापरे नूं 72 घंटियां तो ज़्यादा हो गए ने ते हाले तक मामले च इक वी गिरफ्तारी नहीं की गई। यह जान के उन्होंने होर भी हैरानी हुई कि डिप्टी कमिश्नर आख रहे ने कि समूहिक जबर जनाह होने की पुष्टि अजे तक नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि की घटना के 72 घंटिया बाद भी पुलिस ते प्रशासन हाले तक यह तय नहीं कर सकिया कि यह किस तरह का अपराध है। उन्होंने कहा कि पीड़ित के पिता ते चाचा समेत परिवार इस घटना कारण डूंगे सदमे च ने। नाल ही लड़की के पिता ने यह मंग की है कि दोषियों नूं तुरंत गिरफ्तार किया जाए ते उन्हां नूं फांसी दिती जाए। सरदार सिरसा ने प्रशासन नूं वार्निंग दिंदिया कहा कि दोषियों नूं 24 घंटिया तक फड़न का अल्टीमेटम दिता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेकर पुलिस ने दोषी गिरफ्तार ना किए तो सिख भाईचारा अलवर दियां सड़कां ते उतरेगा ते न्याय हासिल करके ही दम लवेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ते जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने इस मामले ते चुप्पी वट्टी हुई है क्योंकि कुड़ी घट गिनती भाईचारे नाल संबंधित है। उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्म वाली गल है कि इस निर्दयी घटना की जिनी निखेधी की जाए उन्नी थोड़ी है। अजिहे अपराधां नूं धर्म नाल जोड़न दे यतनां दी भी उन्होंने निखेधी की। ये 14.5 साल की बच्ची जो है जो इसके साथ किया गया वो वही जो निर्भया डॉक्टरों का मानना है कि जिस तरह से निर्भया का केस हुआ उसी दरिंदगी से इन दरिंदों ने इस बच्ची के साथ अत्याचार किया है। बहुत दुख और खेद है इस बात का कि अभी तक वो दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमें इस बात का दुख भी खेद है कि अगर कहीं और भी घटना हुई उन घटनाओं के ऊपर भी सबने दुख और खेद जाहिर किया, लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरह के सरकार की नॉन सीरियसनेस दिखाई दे रही है, पिछले 72 घंटों से ज़्यादा समय हो चुका है। मैंने उनके पिताजी से कल भी जब फ़ोन पर बात की तो बहुत बुरी तरह टूटे हुए थे। उनका एक ही कहना था, हमें बस एक ही बात चाहिए, इंसाफ चाहिए, उस दरिंदों को पकड़ा जाए। आज भी जब उनसे जानकारी ली तो अभी तक उनकी किसी की अरेस्ट नहीं हुई और कुछ नहीं पता चल पाया। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, गहलोत जी से, कि ये घटना बाकी घटनाओं की तरह उतनी संवेदनशील है। कोई भी ऐसी घटना घटती है उसकी तकलीफ हर इंसान को, हर मानस को होती है, लेकिन हमें इस बात का दुख है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से है, शायद उनको उतनी उसकी प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए, या तो उनके मन में वो भाव नहीं है इस बच्ची के प्रति। यही कारण है कि अब तक किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। मुझे इस बात का भी अफसोस और खेद है कि सोनिया गांधी हर उस मुद्दे पर बोलती रही और यहाँ तक उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन जब यहाँ की बात आई तो ना जाने उनके हमारे प्रति उनके मन में जो ईर्ष्या है या उनके मन में हमारे प्रति जो भाव हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिसके लिए वो हमारे परिवार के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहती। ये वैर और विरोध जो उन्होंने अब तक हम लोगों से रखा है शायद यही कारण है कि इस मुद्दे पर भी वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं देशवासियों के कहना चाहता हूँ ये दुखदाई घटना एक ऐसा दुखदाई दरिंदगी की गई है जिसके लिए किसी के पास भी शब्द नहीं है। ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है इस बच्ची के साथ और इस बच्ची के परिवार के साथ खड़े होना। किसी धर्म को, किसी जात को, किसी वोट बैंक को ना हम देखें, हम ये देखें कि इंसानियत मर रही है और बच्ची के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह से बाकी किस्म उठाते रहे और उसी तरह बच्ची के परिवार को और बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए उन दरिंदों को अरेस्ट करके। दिल्ली तो अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट।